स्कूल गुंडा पाड़ कर रखा है में। रखा उसको बोलने से अगर कोई पैसा कम कर अगर बोला कि लेते है तीस हजार चालीस हजार बीस हजार तो बोलने से एवज में उसको मारा जाता है तो सेंटर पॉइंट तो जितने भी टीचर है प्रिंसिपल है या उसके जो तो बड़े हैं वो सब गुंडे पाल कर रखे हैं सेंटर पॉइंट की जो वाइस प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल कहलाने के लायक ही नहीं है वो बनने के लायक नहीं है वो मतलब मतलब किसी काबिल नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट की वो वाइस प्रिंसिपल वहाँ के वो मासी बनने के काबिल नहीं है वो गुंडी है गुंडी वो सेंटर फोन स्कूल में मेरी भगनी एक लड़की पढ़ती है क्या समझे तो सेंटर फोर स्कूल है तो जितने भी टीचर है प्रिंसिपल है या उसके जो तो बड़े हैं उन्होंने सब गुंडे पाल कर रखे हैं क्या समझे किसी को बीस हजार हाँ किसी को पच्चीस हजार हाँ किसी को पंद्रह हजार हाँ क्या समझे जितना पैसा ऐड सके ऐड लो कोई अगर बोलता है तो बोलने के अवरेज में राजू भाई जैसे सीधा सारे इंसान तो घर में ठूक कराती ग्यारह बजे उधर मारा जाता है सेंटर स्कूल गुंडा पाल कर रखा है चौवन वार्ड में जो पढ़ रखा उसको बोलने से अगर कोई पैसा कम कर अगर बोला कि बस क्यों लेते हैं तीस हजार चालीस हजार बीस हजार तो बोलने से एवरेज में उसको मारा जाता है तो बंदे तो गरीब क्या वो बोले? वो बोले हैं कि भाई तुम गरीब को लूट रहे हो गरीब आदमी बीस हजार तीस हजार कहाँ चलाया गया पंद्रह बीस हजार रुपया आप छोटा स्कूल है ये तब गरीब पढ़ता है उस हिसाब से आप चला लीजिए ये सोचे कि भाई इसकी इनका लड़की पढ़ती है इसकी बच्ची पढ़ती है ये बंदे का तो ये बोला भाई हम लोग गरीब आदमी आठ हर कहाँ दे देंगे तो तो आप तो कहाँ एक औरत पीछे में थी वो वो टीचर की। है टीचर पता नहीं क्या तुम वो टीचर बोली कि आप कौन बोलने वाले थे तो ये बोले भाई हम लड़की का पापा है मेरा नाम मोहम्मद रफीक है मेरा पुकार नाम डॉक्टर है और ये मेरे बड़े भाई हैं और ये ये मामला इतना बड़ा मामला हुआ है कि सेंटर पॉइंट स्कूल में मेरी भाभी एक दिन गई वहाँ पर तो जाके पूछी कि सेशन फीस का मामला जब हुआ वहाँ पर ही तो सेशन फीस के बोला कि आठ हज़ार रुपया लगेगा तो मेरा भाभी बोली आठ हज़ार ज़्यादा हो जा रहा है तो आके मेरे भाई को बोले वो कि भाई आप मेरे भाई मेरे भाई भाभी आके मेरे भाई को बोले कि आठ हज़ार रुपये लगेगा तो ये जाके आठ हज़ार रुपया जाके ये गए खुद जाके पूछने लगे सेंटर पॉइंट स्कूल में कि जमा है इतना आठ हज़ार रुपया क्यों का चीज़ का लगेगा एक ओवर लेडी गर्ल्स स्कूल में पाँच हज़ार रुपया इतना बड़ा स्कूल में दिया जाता है आपके स्कूल में आठ हज़ार रुपया नर्सरी क्लास का क्यों दिया जाएगा तो उतनी में जमाएं बोला कि ठीक है ठीक है एक काम करो तुम्हारा पाँच हज़ार कर दे रहे हैं थोड़ा सा तो तू मैम में हुआ तो हाड़बड़ा हुआ आठ हज़ार से पाँच हज़ार में आया तो ये बोलने लगे कि अभी आप आठ हज़ार ले रहे थे अभी पाँच हज़ार इसका मतलब आप लोग सब तक का साथ में ऐसे ही करते होंगे चौदह हज़ार पंद्रह हज़ार चौदह हज़ार बारह हज़ार सबसे आप ले रहे हैं ये तो गलत हो रहा है ये तो अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है उतनी में एक लेडी हूँ बगल से उठी उठने के बाद बोलने लगी कि ए, ए तुम कौन है तुम कौन कौन है तुम इतना काय पकड़ पकड़ कर रहा है तो तुम गेट आउट गेट आउट गेट आउट चिल्लाने लगी इसके ऊपर कि बोले आप कौन है आप कौन है तो वो उन लेडी उनको थोड़ा सा हल्का पूछ कर दी तो ये चश्मा गिर गया ये उठाए उठा के लेडी को बोले कि गेट गटआउट गटौट करके दूसरा लेडी भी एक आ गई वो भी आ इसको चिल्ला गाली गुप्ता देने लगी उतने में मामला ख़त्म हो गया सब एक आदमी आया बोले आप जाइए तो चले गए उसके बाद रात का टाइम में ग्यारह बजे का टाइम में ये घर में थे उसके बाद वहाँ से आया पाँच छः लड़का आया आने के बाद ऊपर चढ़ा और पीछे में आसात आठा लड़का और भी था तो ये चढ़ के उसको बोला सफिक सर आवाज़ दिया तो भाभी गई वहाँ पर ही तो खोले दरवाजा तो बोले सर को भैया ये कुछ बात है तो ये गए तो बोले आइए ना नीचे आप तो कुछ बात है भैया तो बोल के तीन चार लड़का नीचे उता उतारा उतारने के बाद गेट के पास ले गया बोले क्या किया था क्या किया क्या किया तो बोलने लगा क्या किया हम कुछ तो नहीं किया तो बोले कितने मेरा माँ को ऐसा हो बोला ऐसा होता बोले कोई बात नहीं हुआ जबरदस्ती फॉल्स फ़ोटो दिखाने लगा और कोई हम बोला रिकॉर्डिंग शो करो भी उसको बोला आप ये बोला कि रिकॉर्डिंग शो करो तो ये रिकॉर्डिंग शो नहीं करता था उसके बाद चंदा उठा के दाम धूम दाम धूम चारों तरफ से उसको मार लगा एक मारा आँख में मार दिया कोई हाथ में कुछ सामान वामान भी लेके था धक्का धक्की हें तेंगे करके टाने टाने उसको लेके गया वहाँ तक उतनी में, में, में दोड़ो दोड़ो मेरा बहन लोग को मालूम हुआ वो लोग दौड़ दौड़े गए मेरा माँ का बाप का बहन का बहुत गाली देने रहा मेरा छोटी बहन को भी एक थप्पड़ मारा मारने के बाद उसको टाने टाने बोला ले गया चले चल ले, चले ले, चल ले, इसका बाप भी मरा है भेड़ा इसकी इसका भी मर्डर करेंगे इसका बाप भी मरा है और इन जब मारा गया एकांडू को ही मर्डर कर देंगे समझिए अटैम्प टू मर्डर का हिसाब था पूरा और दो चार लड़का महल्ला का नहीं मिलता इसका समझिए मर्डर हो जाता ही यही बात है और हम चाइना जाते हैं सेंटर पॉइंट स्कूल का गुंडा पाल के रखा है लड़का लोग को भेज के ये सेंटर पॉइंट स्कूल ये सब करेगा वो हकीकत में सेंटर पॉइंट के स्कूल का गुंडे है। उसका जो जो प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल है उसका लड़का लोग है और वो लड़का एक लड़का उसका है सब लड़का को अपना बोलिए कि ऐसा ऐसा हुआ वो पूरा गुंडा को लेके चले आया वो पूरा वार्ड का गुंडा को लेकर आके ये सब हरकत किया आप लोग लीगल स्टेप हम लोग कुछ नहीं किया हम लोग का बातचीत होने लगा काउंसिलर से बात जब होने लगा तो काउंसिलर बोला आपको जो करना है आप कीजिए हम इस मैटर में नहीं हमारा कोई मामला नहीं फिर हम लोग जाके वहाँ आपका जाके ए, 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 इनका एम सी कराया एम सी करा के थाना में एक जी डी दिया जी डी देने के बाद हम लोग केस भी नहीं किया एफ आई आर भी नहीं किया तो हम लोग बोला आप एफ आई आर भी किया जाएगा ये इतना बड़ा मामला हो गया इसका जान भी जा सकता था छोटा छोटा तीन बच्चा है इसका इसका जब मर कुछ हो जाता तो इनका क्या होता इसका एक्शन कौन लेगा इसका प्रशासन नहीं करेगा अब सेंट्र पॉइंट स्कूल गुंडा भेजेगा इस मामला को कैसा करके हैंडल किया जाएगा इस मामला को क्या करने से कैसा होगा ये तो कोई मामला हो रहा नहीं है ठीक यहाँ तो गुंडा राज हो गया गुंडाबाजी हो रहा है इलाका में करने का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना मीडिया मीडिया से या प्रशासन से या सेंटर पॉइंट स्कूल जो ये हरकत कर रहा है पूरा वार्ड में सबको जितना भी जा, आपका जाके वो पेरेंट्स जाता है सबका साथ में इसी तरीका से हरकत होता है एक सौ आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा इसी तरीका का बात है हर पेरेंट्स सेंटर पॉइंट स्कूल से परेशान है कोई अपेरेंस जाता है उसको दही धमकी मिलता है चौदह हज़ार दो पंद्रह हज़ार दो दस हज़ार दो और नहीं तो फिर मार पड़ेगा उसको या उसके सामने खड़ी हो जाएगी लेडी धक्का धुक्की देगी और उल्टा फंसा भी देगी सेंटर पॉइंट का वाइस प्रिंसिपल का लड़का आके इनको दस लड़का आठ लड़का लेके इनको मारा तब हम लोग बाद में आए तो उसके बाद ये सब मामला देखा उसके बाद हम लोग थाना पुलिस जो जो करना था थोड़ा बहुत किया उसके बाद अभी इसको लेके कल रात से कल थोड़ा सीरियस भी हो गया था फिर हम कौंसिलरों का ख़बर भी दिया कि मेरे भाई का हालत ख़राब है रात भर हम सोए नहीं अभी तक फिर सुबह का टाइम में भी कौंसिलरों का ख़बर दिया दस ग्यारह बजे टाइम में उस टाइम भी सीरियस थोड़ा हो गया था सरवर घूमने लगा था तो हमको बोला कौंसिलर बोला कि देखो बाबू ठीक ठाक करो उसके बाद मामला और कोई बात नहीं हुआ उसके बाद कोई मामला नहीं हुआ फिर हम लोग एक्शन में भी हम लोग जाएंगे क्या करना है नहीं करना है हाँ वो हम लोग के पास में खड़े हैं हाँ ये कोच है हेड कोच है हावड़ा यूनियन का कोच है और ये समझिए इंग्लैंड का कॉन्टी खेले हुए हैं और इनका बंगाल में नाम है रणजी रणजी ट्रॉफ़ी खेले हुए हैं और ये प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं ये समझ जाइए कि बच्चे लोग कोचिंग करते हैं बड़ा अच्छा इनका बहुत इज्जत है हावड़ा यूनियन में और सब माहौल माहौल में भी इज्जत है बहुत इनका, इनका पाँच टाइम का नमाजी है कुरान सुबह में नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ़ पढ़ते हैं उसके साथ में ये सब हरकत हुआ है मेरा नाम जहाना यासिन है बाय और जब बहुत ज़ोर की चिल्ला चिल्ली होती मैं दौड़ के जब गई तो मेरा भाई के साथ में बहुत बदसुली से मारा जा रहा था कम से कम दस पंद्रह लड़का था तो हम दौड़ के गए जब अपने भाई को छुड़ाने के लिए तो उन लोग ढक्का ढुक्की बहुत ज़ोर का मारे तो लगा मुझे भी चोट लेकिन मैं पूछ रही भाई किस लिए मार रहे हैं आप लोग मेरे भाई को क्या हुआ है ऐसा मतलब जानवर को भी कोई ऐसा नहीं मारेगा जिस तरीके से वो लोग मेरे भाई को मारे अब तो बहुत ही बदतमीज़ी से गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए मतलब वो ना लेडीज़ देख रहे हैं ना कोई बड़ा देख रहे हैं मतलब इस तरीक़ा से गालियाँ दे रहे इतना गंदे गंदे गालियाँ और बोल रहे हैं कि हाँ और मारेंगे इनका जान ले लेंगे मेरे भाई के बारे में बोले कि इनका जान ले लिया जाएगा और मेरे संग बहुत बदतमीज़ी दी से जब हम पूछ रहे हैं कि क्यों मार रहे हैं भाई आप लोग मेरे भाई को तो बहुत बदतमीजी से मेरे तरफ़ देखें बोले ऐसा होगा आपको लोग इतनी भीड़ में तो समझिए जब मेरा भाई को ऐसा हालत देखा गया तो मेरा तो हक्का बक्का बंद हो गया और मेरा कुछ समझ में नहीं आया मेरी बड़ी बहन भी थी मेरे साथ में वो भी चिल्ला रही थी छोड़ दो छोड़ दो लेकिन उन लोग नहीं छोड़े उनको एकदम जख्मी इस तरीक़ा से किए हैं कि वो आप लोग को दिखाई दे रहा हो कि किस तरीके से वो जख्मी किए हैं इसके अलावा हम क्या बोलें और मेरे पास सभी बोलने के लिए कि हम क्या बोल सकते हैं तरीक़ा से उन लोग मारे हैं मेरे भाई को और कुछ भी हम नहीं बोल पा रहे वो जो स्कूल की सेंटर पॉइंट की जो स्कूल की टीचर है वाइस प्रिंसिपल उसका वा, बेटा था एक वो बोल रहा था कि हम उनका बेटा है और वो बहुत बदतमीज़ वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ था वही बहुत गंदा वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा था और वही से जितना कांड वही किया और उसके साथ में जितना लड़का था वो भी कर रहा था लेकिन वो सबसे पहले था और वो जो टीचर हैं उनका नाम से तो हर कोई समझिए पना मांगता है उनका वो तो टीचर बनने के काबिल ही नहीं है हर साल में तीन बार एग्ज़ाम होता है तो हर मतलब साल में तीन बार एग्ज़ाम होगा तो तीन बार वो एक आई कार्ड के लिए पैसा मांगती हैं ढाई सौ दो जैसे क्लास रहता है उसी दो सौ दो अढ़ाई सौ दो तीन सौ दो मतलब लूट मचरी लगा के रखी है और मतलब कि हर बात में पैसा मांगा जाता है मतलब वो, वो इस, सेंटर पॉइंट नहीं है वो पैसा स्कूल है उसका नाम है मतलब यहाँ जो गरीब मिडिल क्लास जो बच्चा जाता है वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे आज जो बोलने जा रहा है तो यही हाल हो रहा है देख लीजिए ढक्का हुआ है तो मुझे भी लगा है लेकिन क्या कर सकते हैं मेरा पहले मेरे भाई को देख रही थी मैंने तो मुझे बाद में पता चला कि हमको इतना लगा है लेकिन पहले तो मेरा भाई को देख के तो मेरा होलिया ख़राब हो गया मेरा हालत एकदम डाउन हो गया था और कुछ क्या बोल सकता बस पब्लिक को बोलेंगे देखिए आज मेरे घर पर हुआ है मेरे भाई के साथ हुआ है कल आपके घर में भी हो सकता है ये गुंडी जो बैठी हुई है फ़रत मिस जो वाइस प्रिंसिपल बनी हुई वो तो वो प्रिंसिपल है नहीं वो गुंडी है हम खुला जुबान में बोले वो गुंडी है वो उनका अल्फाज आप जाके खुद देखिए वो कैसे बोलती हैं मतलब डरा के बोलती है देना तो पड़ेगा वो किसी क्रिमिनल घर से है और कुछ नहीं हो तो सकता है कुछ भी कर सकते हैं लोग गुंडा है जब बता रहे हैं लोग गुंडा है हम लोग कुछ भी कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं लोग लेकिन डरेंगे नहीं क्यों नहीं डरेंगे आज चुप बैठेंगे तो कल कुछ ज़्यादा हो सकता है किसी और का संग ज़्यादा कुछ हो सकता है